सबको जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है इस वक्त, तो हम लोगों ने अपनी लेक्चर छोड़ी थी लास्ट सर्जिकल मेथड के ऊपर, और मैंने ये कहा था कि मेरी वीडियो लंबी हो रही है तो मेरे को इसके दो पार्ट्स बनाने थे। तो वेलकम, ये हमारा दूसरी पार्ट है और हम लोग आज हमारे दूसरे पार्ट पे कंटिन्यू करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर दो होने वाला है ये लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पहला जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन है पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था? एक्ट हुआ था 2017 का, याद रहे। साल नहीं भूलना है, साल नहीं भूलना है, ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो रिड्यूसिंग, दो टाइप्स की रिड्यूसिंग हुई थी, एक तो मैटर मॉर्टेलिटी रेट मेरी रिड्यूस हुई, एक है इलीगल अबॉर्शन। तो रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस क्या क्या हुआ, एक हुआ कि मॉर्टेलिटी रेट, दूसरा हुआ इलीगल अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब अगर तुमको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, अबॉर्शन मतलब किलिंग ऑफ द चाइल्ड प्रेजेंट इन द फीटल एरिया, ओके, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। तो इफ़ प्रेगनेंसी इज ऑफ फर्स्ट 12 वीक्स, अगर फर्स्ट 12 वीक्स का रहे तो वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहेगा, एंड इफ 12 वीक्स से ज़्यादा होकर 24 वीक्स हो गया तो सेकेंड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर रहता है। इसको हम लोग जनरली ट्राइमेस्टर बोल के डिवाइड करते हैं। तो प्रेगनेंट वुमेन की लाइफ रिस्क में रहेगी, इंजरी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, और चाइल्ड की लाइफ तो और भी रिस्क पर रहेगी ना, है ना। कंडीशन क्या है अबॉर्शन का, कंडीशन क्या, मतलब कुछ तो कंडीशन रहेगा ना, कंडीशन क्या है। एक तो अगर बच्चा खतरे में है तो उसको पहले ही मार दो, एक है इफ वुमेन हैज़ अ रिस्क तो फिर तुम बच्चे को मार दो, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। थर्ड रीज़न रेप, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी आ जाए हमारे तो इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। पर अबॉर्शन करना इतना सेफ नहीं होता है, अबॉर्शन इज़ नेवर बी अ सेफ थिंग इन दिस केस, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है। और जो एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, ये लिख नहीं रही हूँ, नया करके मैं लिखना नहीं चाहती हूँ इस चीज़ को, कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड व्हाट इज़ दैट। तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो होता है ना वो कभी कभी के लिए होता है एंड क्वालिटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा होता है, पर ये रोज़ की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता है। ये जितने भी सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स तुम्हें दिख रहे हैं ये रोज़ की मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए अच्छा नहीं है। व्हाई इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज इट गिव्स अ इल इफेक्ट, इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एबडोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इफ देर इज अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। सो इट इज ऑलवेज सेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिसेस के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं होता है, कभी नहीं होता है, तो दिस शुड बी मेंटेन्ड। अब आते हैं एमटीपी के ऊपर। एमटीपी मतलब एक्चुअली अबॉर्शन की बात हो रही है अभी। तो जनरली एमटीपी होता क्या है, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं इसको, पेन बदला, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं इसको, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, सही है। कितना होता है पर ईयर, 45 to 50 million पर ईयर। देखो बोलता तो है कि करना चाहिए जब माँ को प्रॉब्लम हो, बच्चे को प्रॉब्लम हो, या लाइक समथिंग लाइक दैट, बट यू नो वाई द मेन रीजन एम टी पी इज हैपनिंग फॉर डे बाई डे, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल फिटीसाइड नेचर फॉर अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द अबॉर्शन आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन दैट वाई सो मेनी अबॉर्शन आर देयर, एंड 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी फर्स्ट ईयर। तो 1/5 कंसीवनेस को तो ऐसे ही नौबत आ जाती है अबॉर्शन की, कंसीव को ऐसे ही नौबत आ जाती है अबॉर्शन की। एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी के बारे में बात करें तो बहुत कंट्रीज़ में अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? पहली बात तो है इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल के लिए। तो एक्सेप्ट वाली जो बात है, नॉट इन एवरी कंट्री। क्यों नहीं है? इमोशनल एस्पेक्ट्स है, एथिकल है, एथिकल नहीं हो सकता है हमेशा, तो किसी का बच्चा किसी से छीन लो, मार दो, ये एथिकल नहीं है। बहुत लोग इसे रिलीजियस नहीं मानते हैं, बहुत लोग इसे सोशल इशू मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि समाज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को खतरा हो, बहुत लोग ये चीज़ भी मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एमटीपी को लीगलाइज कब किया, उन्होंने एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 में। कब किया? 1971 में, विद स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ किया गया था। पहला तो है कि चेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं, और इलीगल फीमेल फिटीसाइड्स, तो उसको अवॉइड करने के लिए मेनली ये हमारा एमटीपी लागू हुआ था 1971 पे, और आज तक एमटीपी चलती आ रही है, ठीक है, एमटीपी आज तक चलती आ रही है। लागू हुआ था क्यों? ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो, माँ को हो, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने के लिए, जड़ से उखाड़ देने के लिए एमटीपी बनाया गया था। वाई एमटीपी, क्वेश्चन आता है वाई एमटीपी? तो गेट रेड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऐसा भी होता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या रेप्स के केस में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी अगर हो गई ऐसे केसेस में तो वो हार्मफुल होता है, दोनों के लिए हार्मफुल होता है, बच्चे के लिए भी और
माँ के लिए भी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एमटीपी कब सेफ है? एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, ट्राइमेस्टर सेफ है, बट रिस्की कब है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसीलिए एक बात कही गई थी तब कि फर्स्ट 12 वीक्स में जो चेकअप होता है तब प्रेगनेंसी अबॉर्शन करना इज़ ईजी, पर जो 24 वीक्स वाला चेकअप होता है उसमें प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करना ईजी नहीं होता है। दैट इज़ नेवर 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 एवर ईजी, ओके, बिकॉज यहाँ पे माँ की भी जान जा सकती है, बच्चे की तो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता चल गई। इलीगल एमटीपी मेजॉरिटी अनक्वालिफाइड क्वैक्स होता है एक तो, एंड नॉन अनसेफ बर्थ पैटर्न, और मिसयूज़ ऑफ द एम्नियोसिंथेसिस, उसके लिए जिसकी सेक्स को अनबॉर्न तरीके से जानने की कोशिश की जाती है, एंड इफ द फीटस फीमेल होता है तो एमटीपी करके उसको निकाल दिया जाता है, विच इज़ 100% इलीगल। अगर कोई बच्ची आ रही है, अगर कोई छोटी सी बच्ची है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसको एमटीपी करके निकाल दिया गया, दिस इज़ 100% इलीगल बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इलीगल एमटीसी का और एक एमटीपीज का बहुत बड़ा एक रोल है क्वैक्स का। यू नो क्वैक्स कौन होते हैं? क्वैक्स होते हैं हवालदार, सुना है कभी? कॉम्पाउंडरी, कॉम्पाउंडरी ऐसा कुछ बोलते हैं उन लोगों को। वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं होते, पर उनको मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू बिकम अ डॉक्टर, जो कि वो नहीं है। तो अगर वो जो है ना, अगर वो अचानक से एमटीपी करना स्टार्ट कर दे तो बहुत बड़ा रिस्क है कि उनके हाथों कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे और माँ दोनों के हेल्थ बर्बाद हो जाए। तो ऐसा बहुत केसेस में हुआ है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है ऑलरेडी, विच लेड टू अ वेरी बिग डैमेज, बहुत बड़ा डैमेज लेड हो गया उसकी वजह से। डेंजरस होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? इफेक्टिव काउंसिलिंग, अवॉइड अनप्रोटेक्टिव क्वार्टर्स, इलीगल अबॉर्शन, प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो सोल्यूशन हमारे पास भाई एक ही है, काउंसिलिंग टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। चलो एमटीपी के बारे में टोटल डिस्कशन हो गया कंप्लीट, तो एमटीपी वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसका और एक नाम है वेनरल डिजीज या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, होता क्यों है? पहली बात तो ये इन्फेक्शन है, और होता क्यों है? इन्फेक्शन का कॉज क्या है? डिजीज़ बाय सेक्सुअल कोइटस, ये सेक्सुअल कोइटस की वजह से ये सब डिजीज़ होती है, ठीक है। एसटीडी के कितने टाइप्स हैं? एसटीडी के तीन टाइप्स हैं मैम। क्या है एसटीडी के तीन टाइप्स हैं मैम? एक है बैक्टीरिया, एक है वायरल, और एक है प्रोटोगोनल। तो क्या क्या बोला मैंने? बैक्टीरिया बोला, वायरल बोला, प्रोटोगोनल बोला, ठीक है, ये तीन बोले मैंने। अब बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आता है, बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? गोनोरिया ये आता है, सिफिलिस आता है, क्लैमाइडियासिस आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे आएगा कि वो तुमसे पूछेगा कि बैक्टीरिया ऐसा एसटीडी है, वायरल है या प्रोटोगोनल है? प्रोटोगोनल में सिर्फ एक जन ही है, उसी को याद रखना है। तो प्रोटोगोनल को याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यहाँ पर एक याद रखना है, तो सिर्फ एक याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एक है तो जेनिटल हर्पस, मैं पता नहीं क्यों उसको हर्पस बोलती हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, एंड इफ एनी टीचर इज सीइंग दिस वीडियो सो प्लीज़ गेट मी करेक्ट, और मैम प्लीज़ गेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। और एचआईवी एड्स जो आज के डेट में सबसे फेमस है, वो इस कैटेगरी में आता है, वो इस कैटेगरी में आता है, जो कि मोस्ट डेंजरस है। इन सारे एसटीडीज़ में से सबसे ज़्यादा डेंजरस एड्स है, क्यों है? ओहो, ये मोस्ट डेंजरस क्यों है? मोस्ट डेंजरस क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये इम्यूनिटी को घटाता है, इम्यूनिटी को घटाता है। तो इसके बाद अगर कोई भी टाइप का फीवर आएगा तो पर्सन डाइज, मेनली द पर्सन डाइज, ठीक है। ये इम्यूनिटी को घटा देता है। इनमें से ठीक नहीं होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं? नॉट क्यूरेबल कैटेगरी में कौन कौन आता है? एक आता है हेपाटाइटिस बी, ये नॉन क्यूरेबल है। जेनिटल हर्पिस, ये भी नॉन क्यूरेबल है। और एक आता है एचआईवी इन्फेक्शन, जिसके बारे में अभी बात किया हम लोगों ने। तो ये है तीन जो नॉन क्यूरेबल है, तो दिस इज़ प्रायरली इम्पॉर्टेंट, ओके। तो हेपेटाइटिस बी या तो एचआईवी में ऐसा क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, रफ मारते हैं। हेपेटाइटिस बी है सोचो, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी है सोचो। ये बार बार क्लिक क्यों हो जा रहा है? मैं इसको क्लिक तक नहीं कर रही हूँ। ये क्या कहते हैं? ट्रांसमिट होता है, पहले ट्रांसमिट होता है,
फिर क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे इन्फेक्टेड हो जाता है किसको, या तो पर्सन को या तो मदर ऑफ फीटस को, ऐसा हो ही सकता है ना, किसी मदर के फीटस पे चला गया HIV। यार क्या हो गया मेरे गले को, मदर ऑफ फीटस को गया तो कैसे जा सकता है, या तो इंजेक्शन से चला गया सोचो, किसी और का इंजेक्शन यूज़ किया गया है, या तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से गया सोचो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से चला गया सोचो, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारा ब्लड दिया जाता है माँ को, उसके अंदर अगर एड्स रहे तो ऐसे वो पर्सन तक जाता है। नो मैटर, नो मैटर, वो इन दोनों रीजंस में से कुछ भी हो सकता है, पर दिस इज़ द प्राइम रीज़न, दिस इज़ द प्राइम रीज़न क्यों होता है ये चीज़, ठीक है, ये सबसे प्राइम रीज़न है क्यों होता है ये चीज़, समझ आया। अच्छा, अर्ली माइनर सिम्टम्स, सिम्टम्स कुछ दिखेगा, कोई सिम्टम्स है इसका, सिम्टम्स है, माइनर है, क्या है, माइनर है, क्या है, पहली बात तो इचिंग होगा, इचिंग होगा तुमको, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, तुम्हारे जेनिटल एरिया से फ्लूइड डिस्चार्ज होते रहेगा, और स्लाइट पेन स्वेलिंग होगा, तुम्हारे जेनिटल एरिया के पास देर विल बी प्रोबेबली स्वेलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। ओके, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑफन क्या होता है इसमें, कि ये इन्फेक्टेड होता है फीमेल्स में, ठीक है, सो टाइमली चेक एंड डिटेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RCS प्रोग्राम कहता है कि प्राइम कंसीडरेशन प्रिवेंशन होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर होना चाहिए, पर ये सारी चीज़ें किसमें ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है 15 to 24 ईयर्स के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या है, कुछ तो प्रिकॉशन होगा, प्रिकॉशन लिखते हैं, चलो आओ, चलो प्रिकॉशन लिखते हैं। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो कलेक्ट कर लेना PDF, क्योंकि आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं चलेगा, ओके। और दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं STD के बारे में, ठीक है, STD के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ART के बारे में मुझे नहीं पता कितना बोलना चाहिए, बट आई वुड से ART को डिवाइड करने के लिए आई वुड से दैट ART मतलब जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ART, ओके, ART, इसमें देखो क्या होता है। फिर तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती, फीमेल कांट कंसीव, तो उसके अंदर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमारे पास जनरली इसका एक उपयोग रहता है कि ZIFT। ZIFT मतलब क्या होता है, ये होता है जाइगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। फेलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब तो समझ ही गए हो कि क्या होगा, इसमें मेरा फेलोपियन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, पर 8 ब्लास्टोमर्स तक ही हो सकता है, कितने तक, अप टू लिखना भूल गए सामने, तो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। IVF दो पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली, एक होता है ZIFT, एक होता है IUT, IUT होता है, ठीक है। 8 ब्लास्टोमर्स तक हो जाएगा ZIFT में, 8 ब्लास्टोमर के ज़्यादा अगर करना है तो वो कहाँ होगा, IUTs में, IUT में पॉसिबल है वो, ठीक है, इंट्रायूटराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। अच्छा देखते हैं गिफ्ट क्या होता है, अभी GIFT गिफ्ट क्या होता है, ये होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, सॉरी ट्रांसफ़र, ओह टायर्ड होने का यही नतीजा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है इन वीवो का केस, ये था इन विट्रो का केस, ठीक है, ये इन विट्रो था, ये इन वीवो है, ठीक है, ये इन वीवो का केस है। इसमें क्या होगा, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा ओवियम इन फेलोपियन ट्यूब बाय द डोनर ने दिया जाएगा, ओके। तो इंट्रायूटराइन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब ICSI, जो ICSI होता है उसमें क्या होगा, ICSI में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओव्यूम, फिर है IUI, इसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। अगर कोई मेल इनफर्टाइल है तो तब हम लोग ये वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वेरी स्लो सोचो स्पर्म काउंट है उसका, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। अच्छा सोचो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तो प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा मनी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ऑल्टरनेटिव है इसका, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव है, अडॉप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव अडॉप्शन है, और एक है डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ये दोनों अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं।
ये दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, एक है एडॉप्शन, एक है डेस्टिट्यूट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर कम्प्लीट। यहाँ पे मैंने ना साइंटिस्ट ने कौन कौन क्या क्या किया था और कौन कौन वो इन्वेंट किया इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू मैंने दे के रखा है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये की है कि मैंने यहाँ पे बहुत पतला लिख दिया और इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। सो आई होप यू एडजस्ट। और एक चीज़ मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, वेट वेट वेट, और एक चीज़ मैंने किया है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वाइट पेज पे ये वाली चीज़ तुम लोग को दे दी है। यू कैन सी वाइट पेज में मैंने ये वाली चीज़ तुम लोग को दे दी है, तो तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको उस नोट के साथ चिपका के रख देना, इसको उस नोट के साथ चिपका के रख देना। तो ऑलमोस्ट हम लोग का लेक्चर हो चुका है ओवर, हम लोग का दोनों लेक्चर सक्सेसफुली ओवर हो चुका है। एंड आई होप दैट यू विल लव दिस वीडियो, लव द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स वे हु आर एग्जाम्स पास आ रहे हैं पर तुम्हें शॉर्ट टाइम में रिवीजन चाहिए, तो ये सबसे अच्छा है। और आई होप तुम्हें याद है कि क्या करना है, क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाना है, जिसका नाम है मेघा चक्रवर्ती, जिसका नाम है मेघा चक्रवर्ती, वहाँ पे जाके पीडीएफ कलेक्ट करना है, पीडीएफ कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं, मीट यू विद अ न्यू वीडियो वेरी सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।